नमस्कार भाई दोस्तों, आज आपको जो बात बताएंगे चाहे अपना साथी हरियाणा से है या पंजाब से है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करना और उसकी गहराई तक जांच करने के बाद फिर बताना बात सच है या झूठ है। जांच आप करोगे, हमने तो कर ली, अपना पूरा आउट करने के बाद तभी आपको कोई बात बताते हैं या जो न्यूज होती है वो न्यूज बताते हैं आपको। आपने बात बहुत पुरानी है, जब अपना संयुक्त पंजाब था बात तब की है, लेकिन एक नई बात आपको पता है जो 2020-21 में बोली गई थी और आप 2022 में आकर भूल गए। दीप सिद्धु याद है सभी को, जब दीप सिद्धु भाई दुनिया से गया था तो लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, उन लाखों में से शायद हजारों लोगों ने भी उसकी बात को नहीं समझा जो बात वो 2020-21 में बोलता था कि आप लोग अगर ऐसे ही खामोश रहे ना, इसी खामोशी से इनके जुल्मों को सहते रहे तो ये लोग घरों में घुस के मारेंगे और आपको घरों से निकाल देंगे। और वो हो रहा है पंजाब में फिलहाल, याद आया, जितने पंजाब के साथी हैं आपको घरों से निकाला जा रहा है, कोई मदद नहीं कर पा रहा। क्या मतलब सरकारों की इतनी हिम्मत होगी कि गांव के अंदर आती हैं और आपको घर से निकाल देते हैं और आपका घर तोड़ देते हैं? इनकी इतनी हिम्मत तब बढ़ी है जब इन्होंने पहले अपने मोरे सेट किए हैं हर एक जगह पे, तब जाके इनकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है। अब बात आती है हरियाणा और पंजाब की। पंजाब को तकरीबन 4 हिस्सों में बांटा जाता था, माझा, मालवा और दोआबा, यही बोला जाता है ना कि माझा, मालवा और दोआबा। लेकिन एक हिस्सा और था, माझा, मालवा, दोआबा और पवाद। वो पवाद हिस्सा कौन सा था आपको पता है? आप जिसे आप हरियाणा बोलते हो या हरियाणवी भाषा बोलते हो, भाषा के आधार पर ये थे चार हिस्से, भाषा पर आधारित है ये माझा, मालवा, दोआबा और पवाद। जिसको हम अपनी हरियाणवी भाषा बोलते हैं वो हरियाणवी भाषा पवादी भाषा है, पवादी जिनको बोलते थे ना वो पवादी हरियाणवी हैं। पता करना पहले इस बात के बारे में, आपको तब पता चलेगा कि आप कौन हो, क्या आपका DNA, आप हो क्या, तब आपको पता समझ में आएगा। आपको सिक्खी, जब सिक्खी की तरफ जुड़ाव होने लगा कि भाई सिक्खी की तरफ जुड़ाव हो रहा है या अपने खून खून को पहचान रहा है, तो फिर सेट किए जा रहे हैं मोरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में फिर मोरे सेट किए जा रहे हैं ताकि ये लोग मिल ना सकें, कहीं संयुक्त पंजाब की ताकत एक ना हो जाए। और जो मोरा आया है ना भी सेट होके आया है, उस नाते हरियाणा में पहला ही बयान ऐसा दिया है कि पंजाब हरियाणा अलग अलग हो जाए। शायद किसी भाई ने नहीं सुना होगा, लेकिन वो हमने सेव रखा है, वीडियो सेव रखा है उसका, उसने जो संत जी का नाम लेके जो शब्द बोले हैं ना वो इसलिए अलग करने के लिए बोले हैं। और उसकी फिर जय जयकार फिर शुरू कर रहे हैं हरियाणा में कुछ लोग जो पहले उसका विरोध कर रहे थे, पता नहीं अब उनको क्या मिला है, अब उसकी जय जयकार शुरू कर रहे हैं। उसने वो शब्द तो बोल दिया, शब्द भारी पड़ेंगे उसको, ये ध्यान रखना। हो सकता है हरियाणा वाले इस बात को ना समझ पाए, लेकिन जो पंजाब वाले साथी हैं ना वो बड़ी जल्दी समझ लेते हैं इसको। गलती से भी गलती मत करना कि कहीं तेरे को ये सरकारें बोल दे तू पंजाब में जाकर भी एक बार चला जा, ये शब्द बोल लिया वहां ठीक नहीं रहेगा तेरे लिए। जो अपने पंजाब में संतों के बारे में और जो गुरुओं के बारे में जो शब्द बोले जा रहे हैं ना, इसका इनाम बड़ी जल्दी मिल जाता है। किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जाति के बारे में कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, और सिख कभी नहीं बोलते। सच्चा सिख होगा ना वो कभी किसी दूसरे धर्म को, दूसरी जाति को कभी गलत नहीं बोलेगा, ये सच्चाई है, ये सिखों की सच्चाई हमने खूब देखी है, अच्छी तरीके से देखी है। और जो ये पवादी है, आपको पता है पंजाबी के अंदर एक अक्षर होता है, वो अक्षर बोलते हम अक्षर बोल देते हैं, दोनों को समझ में आना चाहिए। एक अक्षर होता है राड़ा, पंजाबी में होता है वो, पंजाब वाले साथी बता देंगे। वो राड़ा शब्द होता तो पंजाबी में है और ज्यादातर यूज हरियाणवी भाषा में किया जाता है, हरियाणवी भाषा में यूज किया जाता है उस राड़ा शब्द को। अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि के राड जगा रहा है, के राड बैठा जीतने, या होता नहीं क्या हरियाणवी भाषा में, लेकिन ये राड़ा शब्द है या अक्षर है जो, ये है तो पंजाबी में, फिर हम यूज क्यों कर रहे हैं और हम इसको बोलते हैं हरियाणवी शब्द है, हरियाणवी शब्द बोल रहे हैं, पंजाबी अक्षर बोल रहे हैं, चीज एक ही है। अपने खून को पहचान लो, अपने DNA को पहचान लो, इसलिए बोला था मैंने कि संयुक्त पंजाब एक है, हमारा संयुक्त पंजाब एक है, माझा, मालवा, दोआबा, पवाद, इसको इकट्ठा कर दो, हो गया संयुक्त पंजाब, हो गया हमारा रणजीत सिंह वाला राज, कहां से अलग हो गए हम, कहां से। आप एक काम करो, प्योर हरियाणवी बोलने वाले और प्योर पंजाबी बोलने वालों को एक कमरे में बंद कर दो, दोनों आपस में बात करेंगे, एक दूसरे की समझेंगे, भले ही एक दूसरे की भाषा ना बोल पाए, लेकिन समझते पूरी हैं। कैसे समझते हैं भाई, कभी आपने चीज सोच के देखी है? आपने अभी देखा था ना आंदोलन में, देखा था, और आंदोलन तो दोबारा फिर हो रहा है, फिर देख लेना आप, पंजाबी पंजाबी में बोलता, हरियाणवी हरियाणवी में बोलता और पूरी बातचीत करते हैं और कोई मसला नहीं, कोई समस्या नहीं आती बीच में, कोई भी समस्या नहीं आती। आप जिस अमृतपाल सिंह खालसा को बोल रहे थे कि अमृतपाल सिंह खालसा हिंदुओं के खिलाफ है, वो तो भाई हिंदुओं के बारे में बोल रहा है, क्या सिर्फ हिंदू गुजरात के अंदर हैं? बताना एक बार, सिर्फ गुजरात के जो हिंदू व्यापारी हैं वो तो दिन रात तरक्की कर रहे हैं, कोई पहले नंबर पे, कोई दूसरे नंबर पे, कोई 10वें नंबर पर दुनिया में,
बाकी हिंदू नहीं रहते क्या? हरियाणा में हिंदू नहीं रहते? या ये बताओ आप, पंजाब के अंदर हिंदू नहीं रहते? व्यापार जो है ना, व्यापार, व्यापारी सबसे ज्यादा अगर समृद्ध होने चाहिए थे हरियाणा और पंजाब के होने चाहिए थे, लेकिन व्यापारी समृद्ध है गुजरात के। इसके बारे में सोचना जरूर एक बार, जब सोचोगे ना तब आपकी समझ में आएगा। और अमृतपाल भाई अभी आप लोगों का साथ दे रहा है, जो ये बड़े बड़े व्यापारी हैं इनका व्यापार तो चलता आराम से चलता है। एक न्यूज और है, मैंने पहले ही बताया था 2024 में चुनाव है, कि भगवान मेहर करना सैनिकों के ऊपर, होगी ना चाइना बॉर्डर पर झड़प। जैसे ही कहीं चुनाव होते हैं झड़प होती है, झड़प शुरू हो जाती है। और झड़प हुई तो वहां पर सबसे ज्यादा घायल कौन कौन हुए, कभी किसी ने इस बारे में विचार किया? सरदार और जाट, उठा के देख लो रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपको ऐसा घेर कर मारा जाएगा। ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए, ये खून है। कोई इसको जाट बोलता है, कोई सरदार बोल देता है, किसानों को भी जाट जाट बोल देते हैं, जबकि किसान सभी जातियों में होते हैं। लेकिन ये जो शब्द बोले जा रहे हैं ना, आपको नुकसानदायक करेंगे। समय रहते अपने खून को पहचान लो, हमारा खून कौन सा, हमारा डीएनए क्या है। आपका डीएनए झुकने वाला नहीं है, कहीं सोच रहे हो। और जो ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन घोषणाएं कर रहा है ना सिख रेजिमेंट बनाने की, फिर वो जाट रेजिमेंट बनाने की भी घोषणाएं कर देगा, फिर क्या करोगे? अपने खून खून को पहचान लो। अपने खून को पहचान लोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुकाने वाली नहीं है। और अगर आपस में लड़ोगे, आपस में एक दूसरे से दूरी बनाओगे, तो एक राह चलता भी आप लोगों को दबा लेगा आकर। जैसे अभी एक पता नहीं कहाँ से आ रहा है वो चंदा चोर, पहले भी गड़बड़ कर गया पूरी हरियाणा में, अब फिर हरियाणा में आने की कोशिश कर रहा है, और हरियाणा पंजाब को अलग करने के लिए। तो ये ऐसे तीर तो ही छोड़ते रहेंगे, उनसे बचना आप लोगों को, बचना कैसे है, समय रहते सावधान रहो। और जो ये पंजाब में चल रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, गलत कर रही है सरकार, सदा नहीं रहती, आपस का भाईचारा सदा रहता है, ये याद रखना। सरकारें आनी जानी चीज है, चलो एक बार आगे 5 साल में तो बदली हो जाएगी। और अब इन लोगों को जो देना था वो बीजेपी ने अपनी बीटीएम को दे दिया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवा दिया। अब इनकी सरकार कहीं ना है, दिल्ली दिल्ली में रहेंगे ये, बस पंजाब में तो भूल ही जाना कि आ जाएंगे। पंजाब नहीं आने देता, पंजाब ने तो इनको हिमाचल में भी नहीं आने दिया था, नहीं पता होगा किसी को, लेकिन आपको बता रहे हैं। समय रहते अपनी आंखें खोलो। जो आपके भाई आगे आने वाले हैं, चाहे पंजाब से अमृतपाल भाई है, अपने यूपी से जो आ रहे हैं भाई, या हरियाणा में जो आपके अच्छे भाई हैं, उनको आगे लेके आओ, तब आप तरक्की के मार्ग पाओगे, तब आपका भाईचारा मजबूत होगा। नहीं तो आप लोग लड़ते रहना और व्यापारी लोग फायदा उठाते रहेंगे। व्यापारियों की पार्टी है, किसानों की पार्टी नहीं है। और किसान आंदोलन फिर शुरू हो रहा है भाई, हो जाओ फिर तैयार, फिर मिलते हैं, मिलकर बैठेंगे अपने रोड पर, वहां बैठ के बातचीत करेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। जिस साथी का कोई सवाल होता है, व्हाट्सएप नंबर आपको बता रखा है, आप कर लेना। नमस्कार भाई दोस्तों।